लेकिन मैं आपको एक ऐसा एप्लीकेशन अभी बताने वाला हूँ जिससे कि ये सब 8-10 एप्लीकेशन, इतने सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक एप्लीकेशन जो मैं अभी बता रहा हूँ, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए और आप अपने गर्लफ्रेंड का पूरा पोल खोल सकते हैं कि वो कब किससे चैट करती है, क्या चैट करती है। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो के लास्ट में एक चीज़ बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ, उसे आप ज़रूर सुनिएगा, तो ही आप ये यूज कर पाएंगे सही से, व्हाट्सएप चैट देख सकते हैं किसी का भी अपने फ़ोन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप के 12 ऐसे सीक्रेट ट्रिक्स जिससे कि यूज करने के बाद आप पता लगा सकते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड किससे कब क्या चैट कर रही है, उसके फ़ोन में कितने कॉन्टैक्ट है, किस किस से चैट करती है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप पता लगा सकते हैं। हाँ, और बहुत सारे मैं अलग अलग ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके बारे में आप सोचे भी नहीं होंगे किस टाइप से हो सकता है। हाँ, आप वीडियो में इन तक बने रहिए, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीख मिलेंगे और बहुत कुछ आप जानेंगे जो कि बहुत ही कम यूट्यूबर लोग बताते हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया था, वीडियो को अभी लाइक कर दिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप अपने फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखते हैं, तरह तरह के एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखते हैं ताकि आप अपने गर्लफ्रेंड का पोल खोल सकें, वो कब किससे चैट करती है, क्या चैट करती है। अगर वो आपके व्हाट्सएप पे मैसेज करके कुछ अगर डिलीट करती है तो आप पता लगाना चाहते हैं कि वो क्या डिलीट की। इसके लिए तरह तरह के आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा एप्लीकेशन अभी बताने वाला हूँ जिससे कि ये सब 8-10 एप्लीकेशन, इतने सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक एप्लीकेशन जो मैं अभी बता रहा हूँ, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए और आप अपने गर्लफ्रेंड का पूरा पोल खोल सकते हैं कि वो कब किससे चैट करती है, क्या चैट करती है। आपके व्हाट्सएप अगर डिलीट करती है वो भी दिख जाएगा मैसेज। हाँ, बहुत सारे फीचर आपको इसमें मिल जाएंगे। तो चलिए, उस एप्लीकेशन का नाम बताने से पहले मैं आपको यूज बताता हूँ कि किस टाइप से यूज करना है, क्या क्या फीचर मिलेंगे उसमें। तो चलिए पहले अपने फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ और उस एप्लीकेशन को मैं कर लेता हूँ ओपन। ठीक है, ओपन कर लिया। इसके बाद कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है। हाँ, इसका प्रीमियम भी आता है, तो प्रीमियम भी आप चाहें तो खरीद सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ प्रीमियम खरीदने नहीं बोलूँगा, यहाँ पे मैं फ्री ट्रायल वर्जन पे ही सब कुछ करके दिखाऊंगा। वैसा जरूरी नहीं है कि ये आप प्रीमियम खरीदे तो ही काम होगा आपका, नहीं, मैं आपके साथ हूँ। अगर प्रीमियम जहाँ खरीदने पड़े वहाँ मैं आपको मोड वर्जन दे दूंगा, यूट्यूब पे नहीं दे सकता, बट आप इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा, मैं वहाँ पे दे दूंगा जिस टाइप का एप्लीकेशन को चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री ट्रायल जो है उस पर ना क्लिक करके नीचे जो है और ट्रायल लिमिट वर्जन, इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, मतलब इसका फ्री वर्जन यूज करता हूँ। ये ऐड आ रहा है, इसे कट कर देते हैं। तो इस तरह का इसका कुछ इंटरफेस खुला था, यहाँ पे इसे अलाउ कर देते हैं एप्लीकेशन को। ठीक है, परमिशन अलाउ कर देते हैं। ठीक है, अब ये अपना जगह, अपना स्टोरेज बनाने के लिए, अपना जो भी डेटा इसका रहेगा उसे रखने के लिए फाइल मांग रहा है कि कहाँ पे मैं अपना डेटा बनाऊंगा। तो यहाँ से सेलेक्ट करके कुछ भी, कोई भी फाइल यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। ठीक है, इसे यूज कर लिया। ठीक है, अपने मर्जी से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए कोई फाइल, ताकि अपना ये वो बना सके। ओके कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे करना क्या है आपको कि यहाँ पे देखिए इस तरह का इसका इंटरफेस है, यहाँ देख सकते हैं इतने सारे फीचर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सबसे पहला फीचर क्या है इस एप्लीकेशन में कि व्यू डिलीट मैसेज। यहाँ पे अगर आपको पहला वाला जो है इस पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसके माध्यम से अगर आपको व्हाट्सएप पे कोई अगर मैसेज करता है और डिलीट कर देगा एवरीवन में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो आपके व्हाट्सएप में डिलीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ला करके सेव हो जाएगा, यहाँ से डिलीट नहीं होगा। हाँ, तो इसे परमिशन अलाउ कर दीजिए, यहाँ से ऐसे अपडेट ऐप पे क्लिक करके एनेबल कर दीजिए और इसके बाद इसका परमिशन जो भी है उसे अलाउ कर दीजिए। ठीक है, वा बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे फटाफट इसका जो भी परमिशन अलाउ कर देते हैं अलाउ। ठीक है, तो इसका इस तरह का कुछ इंटरफेस खुला। अब अगर आपके व्हाट्सएप पे कोई अगर मैसेज करके डिलीट करेगा तो यहाँ पे आपका वो डिलीट मैसेज नहीं होगा, यहाँ पे शो करेगा ही। चलिए, अब नेक्स्ट फीचर जो है इसमें वो है स्टेटस सेवर। आप किसी का भी स्टेटस आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में जितने भी स्टेटस अभी लगे हुए हैं वो सारा का सारा यहाँ पे शो कर रहा है। आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करेंगे सेव में चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और नेक्स्ट फीचर जो है व्हाट्सएप वेब, जिसके माध्यम से आप किसी का भी चैट अपने फ़ोन में देख सकते हैं। हाँ, कौन किससे क्या चैट कर रहा है सब कुछ देख सकते हैं व्हाट्सएप वेब के माध्यम से। ठीक है, हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो के लास्ट में एक चीज़ बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको यह सब कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा किस टाइप से करना है। हाँ, आपको तो ये पता चल गया किस एप्लीकेशन में ये चीज़ होगा, लेकिन कैसे करना है ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा, कहाँ पे कौन सा परमिशन अलाउ करना है। क्योंकि मैं अगर ये डिटेल में वैसे एक्सप्लेन करने लगूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक देने वाला हूँ, एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़रूरी बात है, उसे आप ज़रूर सुनिएगा, तो ही आप ये यूज कर पाएंगे सही से एप्लीकेशन और व्हाट्सएप चैट देख सकते हैं किसी का भी अपने फ़ोन में। तो इसमें इसका तो लास्ट में देख लीजिएगा, वीडियो समझ में आ जाएगा, इसे छोड़ देते हैं। लेकिन इसके माध्यम से आप किसी का भी व्हाट्सएप अपने फ़ोन में ला सकते हैं। ठीक है,
और नेक्स्ट जो फीचर है ये है प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम आप खरीदेंगे तो ही ये काम करता है, लेकिन वैसे ज़रूरी भी नहीं है। ये इसमें होगा क्या ना कि आपके फ़ोन में व्हाट्सएप में डेटा कितना, कौन एमबी कितना ले रहा है, वो सब यहाँ से आप देख सकते थे। तो ये ज़रूरी नहीं है, वैसे व्हाट्सएप में भी आप देख सकते हैं, तो ये तो आपके यूजफुल नहीं है वैसा, मेरे को नहीं लगा, शायद आपको हो, तो इसमें मतलब क्लियर कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है वॉक एंड चैट, ठीक है। वॉक यानी इसे अनेबल अगर कर देंगे ना ऐसे, तो होगा क्या कि अगर आप रास्ता पे चलेंगे, रोड पे अगर चलेंगे, तो वहाँ पे आपका नीचे जो ये जो कैमरा है ना, कैमरा चालू हो जाएगा, और आप व्हाट्सएप यूज कीजिए, नीचे देखिए कि कौन है, ऐसे आप ऐसे चालू करके व्हाट्सएप यूज कीजिए, पीछे देखिए कौन है, मतलब कि आप व्हाट्सएप भी यूज करेंगे, आपका कैमरा भी चालू रहेगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, दिखेगा सब कुछ, सब कुछ पीछे का। अब नेक्स्ट फीचर है इसमें है क्या कि फेक चैट एंड कॉल, हाँ ये जो ज़रूरी है, मतलब ये प्रैंक करने के लिए है क्या कि आप यहाँ से इसमें फेक चैट बना सकते हैं। मतलब अगर आप किसी से के साथ प्रैंक करना चाहते हैं, अगर किसी को आप दिखाना चाहते हैं कि उसके साथ मैं ये चैट किया, तो आप फेक चैट क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि रिप्लाई भी आप ही करेंगे और मैसेज भी आप ही करेंगे, इसके साथ साथ कॉल भी, कॉल का भी बना सकते हैं वो फेक कॉल। इसके बाद यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे फीचर, डायरेक्ट मैसेज, जैसे कि आप कहीं पर जा रहे हैं, वहाँ अगर आपको सपोज कोई अगर मिला आपसे, आपका फ़ोन मांगा या फिर आपको नंबर दिया, बोला कि व्हाट्सएप पे किसी को कुछ मैसेज करने के लिए, कुछ सेंड करने के लिए, तो आप चाहते हैं कि उसका नंबर बिना सेव किए, ये खासकर ये गर्ल्स लोग के लिए यूजफुल है कि बिना नंबर सेव किए उसके पास आप मैसेज कर सकते हैं। इसमें आप यहाँ पे उसका जो भी मैसेज करना चाहते हैं, जो भी सेंड करना चाहते हैं, यहाँ पे टाइप कीजिए हाय हेलो जो भी है, और इसके बाद यहाँ पे नीचे नंबर उसका टाइप कीजिए और सेंड पे क्लिक कर दीजिए, बिना नंबर सेव किए उसके पास मैसेज चला जाएगा। इसके बाद इसमें और भी फीचर मिलते हैं क्या, टेक्स्ट रिपीटर, सपोज किसी को बर्थडे विश करना, तो आप उसे हैप्पी बर्थडे जो भी नाम है वो चीज़ आप इसमें टाइप करके और उसे रिपीट कर सकते हैं, मतलब एक ही टेक्स्ट को 10,000 बार लिख सकते हैं, सपोज आप चाहें तो वैसे ही ज़्यादा भी लिख सकते हैं। इसमें आप जो भी चाहते हैं टेक्स्ट लिखना, सपोज हैप्पी बर्थडे या फिर कुछ भी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है सपोज, ठीक है, और उसे रिपीट जितना बार करना चाहते हैं, न्यू लाइन इस पर क्लिक कर दीजिए और 10,000 बार यहाँ पे लिमिट रिपीट कर सकते हैं, सॉरी जुबान फिसल जा रहे हैं, यहाँ से आप जितने बार रिपीट कराना चाहते हैं, सपोज मैं 100 बार कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पे रिपीट पे क्लिक कीजिए और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना सारा हो गया, कॉपी इसे करके और जा करके पेस्ट कर दीजिए जिसके पास सेंड करना चाहते हैं, इस तरह से आप रिपीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें आपको मिलते हैं टेक्स्ट टू इमोजी, इमोजी से आप इसी टाइप का मैसेज लिख सकते हैं, सपोज इसमें चैट टेक्स्ट कर लीजिए, सपोज का चीज़ हैप्पी बर्थडे ही, ठीक है, हैप्पी बर्थडे, ठीक है, और इमोजी कौन सा इमोजी से आप लिखना चाहते हैं, सपोज मैं ये वाला इमोजी से लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टाइप से कुछ ये वाला इमोजी से ये लिखा जाएगा, यहाँ फिर वैसे ही कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए, सेंड कर दीजिए जिसे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसमें आपको मिल जाते हैं शेयर टू ओपन गैलरी, इसमें कि जितने भी जितने सारे आपके फ़ोन में व्हाट्सएप पे जितने मैसेज आए हैं अभी तक, वो सारे के सारे मैसेज यहाँ पे शो कर जाएंगे। ये कुछ वैसा ज़्यादा खास नहीं है, मतलब यूजफुल नहीं है, बाकी तो वो सब यूजफुल थे। तो इस एप्लीकेशन में इतने सारे आपको ये फीचर मिल जाते हैं जो कि आपके यूजफुल हैं, सारे तो नहीं है लेकिन कुछ कुछ बहुत ज़्यादा यूजफुल है, मैं भी बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ उसको, हाँ। तो इस एप्लीकेशन में, हाँ, एक चीज़ और मैं आपको जो बीच में वीडियो में बोला था कि ज़रूरी बात बताने के लिए, तो वो चीज़ ये ज़रूरी बात है कि आप जो ये वीडियो देखें, आपको कुछ कुछ समझ में नहीं आया होगा किस टाइप से करना है, जैसे वो रिपीटर वाला वो सब बताया मैं, या फिर जो व्हाट्सएप को अपने फ़ोन में देखने के लिए वो सब नहीं समझ में आया होगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक एक वीडियो का लिंक दे दे रहा हूँ, ठीक है, सब मैं एक एक वीडियो में मैं बताया हूँ उसका लिंक मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप जो भी वीडियो चाहते हैं देखने के लिए वो चीज़ वो लिंक पे क्लिक करके आप आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मतलब डेडिकेटेड वीडियो है कि किस टाइप से, सपोज ये वाला जो रिपीटर वाला था कि किसी को विश कैसे करें, एक ही टेक्स्ट को डिजाइन में कैसे लिख सकते हैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके वो वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कैसे करना है। इसमें मैं तो जल्दी जल्दी बताया, तो हो सकता है आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आपको इसमें कौन सा फीचर यूजफुल लगा, आप किसे यूज करना चाहते हैं सबसे ज़्यादा, वो कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो भी कमेंट में आप ज़रूर बताइए, मैं आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो बताता हूँ। तो बस अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।